गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं माउंट आबू, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उससे पहले हम जाएंगे उदयपुर और फिर जाएंगे हम माउंट आबू। तो कल का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, कल पूरे दिन हमने शॉपिंग करी। कल हम गए थे 12 बजे और शाम को 8 बजे आए थे, तो पूरे दिन हमने शॉपिंग करी। और कल का व्लॉग मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, जो मैं माउंट आबू से वापस आके आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिसकी वजह से कल मेरा मूड पूरा ऑफ था और मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। खाली बच्चों के और मेरे हस्बैंड के जो भी ख़रीदारी करनी थी वो की है, बस मैंने कुछ नहीं की। मैं आगे से करूँगी शॉपिंग, जहाँ से भी करूँगी। तो चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ और अब हम बस निकलेंगे आधे घंटे में। तो चलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर में पहले हम उदयपुर जाएंगे, फिर माउंट आबू जाएंगे, क्योंकि हमको 3 दिन के लिए जाना है। वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है हमको, इसलिए ज़रूरी काम क्या है? कल तो हम सब हो गए रेडी एकदम बस निकलने के लिए और अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद में हम सब लोग देशनोख आ गए करणी माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो माता जी का आशीर्वाद ज़रूरी है पहले। और यहाँ बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश में से हम घर से निकले थे, बस मतलब बीकानेर से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये रास्ते का वीडियो, ये शॉपीज़ वगैरह रखे हुए थे तो मैंने ये क्लिप, छोटी सी क्लिप ले ली इनकी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और अब हम सब लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर। जोधपुर में बस एंटर हुए हैं, अब कुछ ही देर में हम जोधपुर पहुंच जाएंगे और हम रुकेंगे नाइट में, यहीं रुकेंगे जोधपुर। मेरे मायसा रहते हैं यहाँ पर, तो हम सब लोग उनके घर पर रुक जाएँगे रात को, क्योंकि लेट भी। और ये मॉर्निंग की क्लिप है जब हम सब लोग निकल रहे थे, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती है। इधर देखो वापस आओ, अभी मॉर्निंग के 6 बजे हुए और हम सब लोग निकल चुके हैं जोधपुर से। और अब हम सबसे पहले जाएंगे पाली, फिर हम हमारी कुलदेवी के जाएंगे नाडोल आशापुरा माता के, जिनके वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि रास्ते में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आगे भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो मेरे वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।